क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग्स अपनी काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च की प्रॉब्लम्स को अपने सपनों में ही सॉल्व कर लिया करते थे। और ऐसे ही हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 3000 से भी ज्यादा थ्योरम्स को प्रूफ किया है, जिनमें से काफी सारी थ्योरम्स तो उन्होंने अपने सपनों में ही सॉल्व की है। और ऐसा उन्होंने खुद अपने जर्नल में बताया है, और इसी वजह से ये लोग इतिहास में महान जीनियस के रूप में जाने जाते हैं। तो अब बात यह है कि आखिरकार ये लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं, और क्या केवल ऐसे जीनियस ऐसा कर सकते हैं या आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरी प्रोसेस के बारे में और आप लोग भी इसे कैसे अचीव कर सकते हैं उस सब के बारे में बताने वाला हूं। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें लूसिड ड्रीमिंग को समझना होगा, क्योंकि ये सब लूसिड ड्रीमिंग की वजह से ही होता है। नाउ लूसिड ड्रीमिंग क्या है? लूसिड ड्रीमिंग सपनों की वह स्टेट है जिसमें सपना देखने के दौरान आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं, और इस दौरान आप अपनी मर्जी से अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। जैसे कि सपनों में कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट, इवन नैरेटिव्स, यानी जो हो रहा है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल सपना देख रहे हैं और उसमें आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, जबकि लूसिड ड्रीमिंग में आपका एक्सीडेंट तभी होगा जब आप चाहेंगे, नहीं तो आप अपना एक्सीडेंट होने से खुद को बचा सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत प्राचीन समय से इसे स्टडी किया जा रहा है। लोग हमेशा से इसके लिए फैसिनेटेड रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन में लूसिड ड्रीमिंग से रिलेटेड एक बहुत ही खास योगा है जिसे ड्रीम योगा कहा जाता है, जिसे मिस्टिक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, लूसिड ड्रीमिंग में किया गया मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों जो लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं उन्हें लूसिड ड्रीमर्स कहा जाता है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, श्रीनिवास रामानुजन, बीथोवेन और ऐसे ही कई जीनियस हिस्ट्री के फेमस लूसिड ड्रीमर्स रहे हैं। तो दोस्तों चलो पहले लूसिड ड्रीमिंग करने के बेनिफिट्स पर बात करते हैं कि सपनों को कंट्रोल करके आखिरकार मिलेगा क्या, ताकि आपका वीडियो देखने का मोटिवेशन भी बना रहे। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि लूसिड ड्रीमिंग के दौरान हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, और इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ आप अपनी लाइफ की कोई भी और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी स्किल को अपने सपने में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया कर सकते हैं। जैसे कि जेम्स कैमरॉन को अवतार मूवी का आइडिया सपनों में ही आया था। मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैरेट ने कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स पर जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और उनको उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, उन पर एक रिसर्च कंडक्ट की, और रिसर्च के दौरान जब उन लोगों की डेली रूटीन में बस थोड़ा सा चेंज किया गया, जैसे कि उनको उनकी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखने और सोने से 15 मिनट पहले उन प्रॉब्लम्स को रिव्यू करने को कहा गया। सेकंड, उन लोगों को एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करने को कहा गया जिससे कि उन्हें सुबह होते ही अपने सारे ड्रीम्स उसमें लिखने थे। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि केवल एक हफ्ते के अंदर आधे लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सपने आने लगे और एक चौथाई लोगों को उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके ड्रीम्स में मिल चुके थे। है ना अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग? तो जब लूसिड ड्रीमिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे अचीव करें। हाउ टू बी लूसिड इन ड्रीम्स। नंबर 1, ड्रीम जनरल मेंटेन करके। इतना तो आप सब जानते होंगे कि आप किसी भी वर्क में सक्सेस तभी हो पाओगे जब आप अपने काम को अच्छे से जान लोगे। इसलिए आपको सपनों को कंट्रोल करने से पहले अपने सपनों को समझना होगा, और सपनों को समझने के लिए पहले सपने को याद रखना जरूरी है। दोस्तों सपने क्या हैं? इनका साइंटिफिक रीजन क्या है? सपने क्यों आते हैं? अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ यदि आप अपने सपनों को याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना होगा, और हर रोज सुबह उठने के तुरंत बाद ही जो भी सपना आपको याद है उसे अपने जर्नल में लिख लो, और ये काम आपको जागने के 10 मिनट के अंदर ही कर लेना है, क्योंकि हम अपने सपनों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फिर आपको दूसरा काम अपने सपनों को रिव्यू करना है कि आप किस टाइप के सपने देख रहे हो, आपको किस टाइप के सपने आ रहे हैं। और जब आप अपने सपनों को कुछ दिन तक रिव्यू कर लोगे तो आपको अपने सपनों में कुछ ऐसे क्लूज मिलने लगेंगे, उन्हें देखते ही आप समझ जाओगे कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर तुरंत आपका कंट्रोल आपके सपनों पर आ जाएगा। नंबर 2, रियलिटी चेक। इस प्रोसेस में आपको जब आप अवेकनिंग स्टेट में होते हैं यानी कि जागे हुए होते हैं तो आपको एक रियलिटी चेक करने की हैबिट डेवलप करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको आपके आसपास आते जाते या डेली दिखने वाली कोई भी चीज या आपके सराउंडिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और बार बार ये बोलना है कि एम आई ड्रीमिंग, और फिर रियलाइज करना है कि ये रियल में है, ये मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। आपको हर एक चीज को ऐसे ही ऑब्जर्व करना है और पूछते रहना है, तो बोलते
सुनते रहना है कि ये रियल है, ये मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। इससे ये होगा कि कुछ दिनों बाद रियलिटी चेक करना आपका नेचर बन जाएगा और आप अपने सपनों में भी रियलिटी चेक करने लगेंगे और फिर सपनों में कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी चलने लगेंगी तो आप समझ जाओगे कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ और आपके सपनों पर कंट्रोल होने लग जाएगा। नंबर थर्ड, माइल्ड निमोनिक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। इसमें आपको सोने से लगे 10-15 मिनट पहले मेडिटेशन शुरू करना होगा ताकि आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत गहरा हो जाए और इसके बाद आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशंस देने हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाए आज मैं सपनों में अवेयर रहूंगा, आज मैं अपने सपनों को कंट्रोल कर लूंगा, आज मैं लूसिड ड्रीमिंग देखूंगा। हालांकि माइल्ड स्टेट बहुत कम लोगों पर ही इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आप सोते समय लगभग 5-6 घंटे बाद का अलार्म सेट करें और उसके बजने के साथ ही उठें और 10-15 मिनट बाद फिर से अपने माइंड को ऑटो सजेशंस देते हुए बोलते हुए फिर से सो जाएं, फिर ये माइल्ड मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और तब आपके लूसिड होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी लूसिड ड्रीमिंग्स की पूरी जानकारी और आप इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।